नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोविड कर्फ्यू में 5 घंटे तक मिली छूट। किराना की दुकानों के साथ ही खुली स्टेशनरी और बुकशॉप, बाजारों में खरीदारी को निकले लोग। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से गदेरों में आया उफान, कृषि भूमि और खेती को नुकसान। रविवार रात से बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोलने की कोशिशें जारी। रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा में शुरू हुआ 20 बेड का डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर। चमोली जिले में तेजी से आ रही कोरोना मामलों में कमी, 82% लोग हो चुके हैं ठीक। और कोटद्वार उदयरामपुर से गड्डी क्षेत्र में हाथी के हमले में वृद्ध की मौत। ग्रामीणों के साथ घास पत्ती लेने जंगल गए थे वृद्ध। डीएफओ ने लोगों से फिलहाल जंगल न जाने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामलों में व्यापक कमी आने के बाद मंगलवार को कोविड कर्फ्यू में पहले के मुकाबले ज्यादा छूट दी गई है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक किरानों की दुकानों के साथ ही स्टेशनरी और बुकशॉप भी आज खुली रही। इसके चलते बाजारों में काफी भीड़ देखी गई। प्रदेश भर में आज के अतिरिक्त 5 जून को भी सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक किराना की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। इसे लेकर व्यापारी भी खासी राहत महसूस कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से हमको नई गाइडलाइन मिली है कि हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलनी है, जैसे सरकार ने 1 हफ्ते के लिए जो है लॉकडाउन और बढ़ा दिया है, लेकिन हम दुकानदारों को हफ्ते में 2 दिन खोलने की जो है परमिशन दी है, उससे हम खुश हैं। दूसरी ओर बाजारों में खरीदारी को निकले लोगों का कहना था कि कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ाया जाना सभी के हित में है। इसी का परिणाम है कि कोरोना की चेन टूटी और संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है। बावजूद इसके अभी मास्क का इस्तेमाल, हाथों की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जरूरी एहतियात बरते जाने की जरूरत है। आज मैंने देखा भीड़ काफी कम है, जो कि अच्छी बात है। और सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाया है और जो अच्छा है लोगों के लिए, इससे बीमारियां भी कम फैलेंगी और अच्छा क्या है मतलब सरकार ने। और तो मुझे आज मार्केट में काफ़ी भीड़ कम दिखी और दिन के मुकाबले, तो सरकार ने इसमें 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया हुआ है, इसमें हमारी भी सेफ्टी है, बाकी सबकी सेफ्टी भी है। प्रिकॉशन तो हम भी लेके चल रहे हैं अपने साथ, मास्क वगैरह सब कुछ लेके चल रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह लेके चल रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण बसुकेदार व जखोली तहसील में काफी नुकसान हुआ है। आज दोपहर बाद हुई बारिश के कारण बडमापट्टी के धरियांज और किरोड़ा गांव में गदेरों में उफान आ गया, जिससे दोनों गांव की सिंचित खेती को व्यापक क्षति पहुंची है। किरोड़ा गांव में तेज हवा से एक मकान की छत उड़ गई, जबकि गुप्तकाशी मयाली मोटर मार्ग भी जगह जगह अवरुद्ध होने से आवाजाही बाधित हो गई है। क्षेत्र के अन्य गांवों में भी अतिवृष्टि से खेतों को नुकसान पहुंचने की सूचना है। ओलावृष्टि का जो मंजर देखा, 45 साल जब से मेरी मुझे होश संभाला है, पहली बार कभी नहीं देखा। पूरे पेड़ की पत्तियां और पेड़ की टहनियां, बड़े बड़े पेड़, खड़ी के पेड़ उखड़ गए हैं। और धान की जो नई पौध थी, जिसे रोपाई होनी थी कुछ समय में, वो धान की पूरे पौध समाप्त हो चुकी है और चंगोरा ये इत्यादि सारी फसलें बर्बाद हो गई। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के खांकरा में भूस्खलन के कारण रविवार देर रात से बंद है। एनएच प्रशासन की ओर से बुलडोजर की मदद से मलबा हटाकर राजमार्ग को खोलने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी से बार बार मलबा आने के कारण राजमार्ग को खोलने का काम बाधित हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम ठीक रहने की स्थिति में बुधवार दोपहर तक राजमार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इस बीच काफी वाहन राजमार्ग के दोनों ओर फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग भी जंगलों और ऊंची पहाड़ियों को पार करके आवाजाही को मजबूर हैं। हम हैं अभी NH 58 पे खांकरा और नरकोटा के मध्य। जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विगत 36 घंटे से अभी तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है और
यहाँ पर गाड़ियों की जो कतार है बहुत लंबी है, खांकरा तक ये कतार लगी हुई है। ये नहीं कहा जा सकता कि रोड आज खुल जाएगी। भाई जी 36 घंटे से हम यहाँ फंसे हैं और यहाँ पे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है और 3 दिन से खाना भी नहीं खाया और आज शाम तक भी शायद खुलने का बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए इतना चीज चढ़ाए चढ़ के नीचे आने के लिए बड़ी मुश्किल करनी पड़ी। नैनीताल जिले के रामनगर में 55 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्माणाधीन इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का आज पेयजल मंत्री बिशन सिंह शुफाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्लांट का 95% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ट्रीटमेंट प्लांट 15 साल तक पेयजल निगम के अधीन रहेगा, उसके बाद इसे जल संस्थान को हैंडओवर कर दिया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से कोसी नदी में गिरने वाले रामनगर के दूषित पानी का ट्रीटमेंट होना है। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ पर लगा हुआ है, इसका निरीक्षण किया गया। इसके जो खुलौता को देखते हुए जो इसमें लागत थी, ये अंतिम चरण में करीब 95% इसमें काम हो चुका है। ये इसकी टोटल लागत जो बताई गई है वो 55 करोड़ की थी, जिसमें से 25 करोड़ इसको 15 साल तक के लिए इसके मेंटेनेंस के लिए जो इसमें कर्मचारी थे उन सबका वेतन है। 15 साल के बाद ये फिर जल संस्थान विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इसको देखने से पता है कि जो पानी नदी में भी जा रहा है और जो लैब देखने से भी सारे देखने से पानी शुद्ध लग रहा है। हमने ये कहा कि इनसे जो पानी नदी में गिर रहा है और दोनों पानी मिक्स होता है उसको भी टेस्ट कराया जाए। रुड़की क्षेत्र के झबड़ेड़ा में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर खोला गया है। ऑक्सीजन युक्त 20 बेड के इस सेंटर का उद्घाटन आज पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया। हालांकि उत्तराखंड में अब कोरोना संबंधी मामलों में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण से प्रभावित लोगों को इलाज के लिए हरिद्वार और देहरादून जाना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि झबरेड़ा में बने इस कोविड केयर सेंटर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी। जो लोगों की भावना है, इस प्रकार की भावना आज मानवता के लिए खड़ी है और मैं आज देशराज जी को, त्रिपाठी जी को बधाई देता हूँ और इस कोविड केयर सेंटर से इस क्षेत्र को निश्चित रूप से लाभ। 20 बेड का भी बनाया गया, बाद में 100 तक ये ले जाएंगे। चमोली जिले में भी कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। अब तक 82% कोविड संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में अभी तक 11,500 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिनमें से 9,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब जिले में 2,000 के आसपास एक्टिव केसेस शेष रह गए हैं। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए घर घर आइवरमेक्टिन दवा बांटी जा रही है। जिले में अब तक 51% से ज्यादा लोगों को आइवरमेक्टिन उपलब्ध कराई जा चुकी है। चमोली में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। अब तक 93% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स, 87% से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को 94% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चमोली की डीएम स्वाति एस भदौरिया का कहना है कि अभी तक जिले के 448 गांवों में करीब 24,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। अभी कोरोना की स्थिति अंडर कंट्रोल है और हमारे जितने भी सीसीसीज हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनमें भी अभी पर्याप्त बेड और पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था है और साथ में हमारी कई सारी सैम्पलिंग टीम्स हैं। हर ब्लॉक में 3 सैम्पलिंग टीम्स हैं, जो जिनमें से एक स्टैटिक है और वो ब्लॉक में सैम्पलिंग ले रही है और बाकी 2 मोबाइल टीम्स हैं। वो हर गांव गांव में जाकर रोज लगभग 17-18 कैंप्स यहाँ पे किए जा रहे हैं और इसलिए गांव के इंटीरियर मोस्ट इलाके, चाहे वो बहुत दूरस्थ इलाके हैं, पाना ईरानी हो या फिर दुमक अलगोट है, उन सभी इंटीरियर एरियाज में सैम्पलिंग पर डे अलग अलग इलाकों में की जा रही है। और इस बीच न सिर्फ चमोली में बल्कि कोरोना से बचाव के प्रयासों के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आइवरमेक्टिन दवा का वितरण किया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में भी आज इसका वितरण शुरू किया गया। दवा की पैकिंग नगर निगम सभागार क्षेत्र में महिला समूह के सदस्य और निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। आइवरमेक्टिन गोलियों को 2 ग्रुपों में बांटकर वितरण किया जा रहा है। इनमें एक ग्रुप 15 साल से अधिक आयु वालों का है, जबकि दूसरा 15 वर्ष से कम उम्र वालों का है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि एक दिन में लगभग 40,000 लोगों की आइवरमेक्टिन दी जाएगी। अगले 4-5 दिन में सभी वार्डों में इसका वितरण पूरा कर लिया जाएगा। दवा वितरण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है। कल मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में उनको कम्प्लीट डायरेक्शन दिए गए हैं कि आपको जो है लोगों को किस तरह से
समझाना है ये आइवरमेक्टिन की गोली लेने के बारे में, और दूसरा उसके साथ एक जो उसके डायरेक्शन है, डायरेक्शन का एक पंपलेट भी उसके साथ दिया गया है और उसको भी हम लोग वितरित कर रहे हैं ताकि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि ये दवा वायरस की एक्टिविटी को रोकती है। स्टेट कमेटी और ICMR ने इसे अप्रूव किया है। आइवरमेक्टिन को नियमानुसार लेने से लाभ हो रहा है। आइवरमेक्टिन बेसिकली जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी पैरासिटिक दवाई है, लेकिन इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी को देखते हुए इसको मास प्रोफाइल एक्सेस के तौर पे दिया जा रहा है, जो कि हमारे स्टेट कमेटी और ICMR द्वारा अप्रूव्ड है। किनको नहीं देनी है? गर्भवती महिलाओं को नहीं देनी है, स्तनपान करने वाली महिलाओं को नहीं देनी है, जिनको लीवर संबंधी बीमारी है उनको नहीं देनी है, और 2 वर्ष से छोटे बच्चों को नहीं देनी है। इसका जो है ये बताया गया है कमेटी के द्वारा कि वायरस का रिप्लिकेशन को ये रोकती है, मतलब इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी को रोकती है। कोटद्वार के उदयरामपुर सिगड्डी क्षेत्र में आज सुबह करीब 8 बजे हाथी के हमले में एक 74 वर्षीय वृद्ध की मृत्यु हो गई। वृद्ध सेवादत्त जोशी अपनी पत्नी और अन्य ग्रामीणों के साथ चारापत्ती लेने निकटवर्ती गांव में जंगल में गए थे। इसी दौरान हाथी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें घायलावस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद लैंसडाउन के प्रभागीय वनाधिकारी ने लोगों से इन दिनों जंगल की ओर न जाने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई जंगल में पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये काफी दुखद घटना है कि ये चौथी घटना हो गई 1.5 महीने के अंदर जिसमें हाथी के द्वारा इंसान की डेथ हो गई, और तमाम बार सावधानी बरतने के लिए बोला जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि प्रवेश ना करें, फिर भी प्रवेश कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई भी जंगल में अनधिकृत रूप से पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किए जाएंगे और उनके ऊपर फाइन और जेल भी भेजा जाएगा। केंद्र की ओर से कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्तर के 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स कुछ इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर 14567 है, और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। और कोविड काल में पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने थलीसैंण ब्लॉक की 70 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की है। विभाग की ओर से सर्वे के बाद चिन्हित गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण और अल्ट्रासाउंड के लिए हंस जनरल अस्पताल सतपुली लाया जा रहा है। जितने भी महिलाएं हैं उन्होंने बताया लगभग 80 और 100 के बीच में ये महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं और उनकी जांच और अल्ट्रासाउंड करना है। तो अभी ये अभियान जो है 31 मई से शुरू हुआ है और 3 या 4 जून तक ये चलेगा। कल आए थे हमारे पास 15 मरीज आए थे गर्भवती, और आज भी 21 आए हैं, और इस तरीके से रोजाना हम लोग करीब 20 के करीब जो है जांच हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर संगीता हैं, वो इनको इनकी जांच करेंगी। कुछ गर्भवती महिलाएं हैं जिनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस क्षेत्र के सर्वे के निर्देश दिए गए थे, तो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने उसमें सर्वे करके संज्ञान में लाया कि 70 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होना है, जिसका कार्य आज प्रारंभ हो चुका है। आज हम उस क्षेत्र से 15 महिलाओं को यहाँ हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली लेकर पहुँच चुके हैं। उनका अल्ट्रासाउंड चल रहा है और चरणबद्ध तरीके से समस्त 70 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड यहाँ कराया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर लाभार्थी महिलाएं भी इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। हालांकि उनका कहना है कि स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अभी सतपुली आना पड़ रहा है, क्योंकि थलीसैंण क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण की अभी कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने कोविड कर्फ्यू में लोगों के रोजगार की स्थिति को देखते हुए हाल ही में निःशुल्क राशन देने का फैसला किया था। इसके तहत सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों से निःशुल्क गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार हरिद्वार जिले में अभी तक करीब 90% लोगों को निःशुल्क 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराया जा चुका है। यही नहीं, इतना ही राशन वे सरकारी दरों पर भी खरीद सकते हैं। विभाग की ओर से बताया गया है कि हरिद्वार जिले में जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनके कार्ड ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की योजना का लाभ उठा सकें। ये कोविड वैश्विक महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कार्डधारकों को उपलब्ध कराने के लिए, निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए गेहूँ चावल उपलब्ध कराया है, आवंटित किया है, जिसके अंतर्गत 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है रेगुलर के नियमित के अतिरिक्त। तो इस प्रकार जो है भारत सरकार से 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो गया है। साथ ही महाजून के लिए भी हमने जो है पूरी व्यवस्था कर ली है और 50% से अधिक राशन हमारे पास गोदामों पे आ गया और हमने तदनुसार जो है राशन के दुकानदारों को इशू कर दिया है और इसका वितरण जो है कार्डधारकों में जो कोविड कर्फ्यू का समय होगा अभी जो जैसे 8 से 11 है तो 7 से 11 है तो उसी तरह से हम जो है इसका वितरण हम कार्डधारकों में करा रहे हैं। जो गवर्नमेंट काम कर रही है इससे जो है गरीब जनता को एक सहारा आसरा मिल रहा है, जिससे कि जो है वो लोग 2 टाइम की नमक रोटी खा सके और अन्यथा जो है आज ये स्थिति बन गई है कि हर गरीब आदमी भूखा मरने को तैयार है, क्योंकि आज की स्थिति में हमारे प्रदेश में जो महामारी आई है इससे हर गरीब आदमी त्रस्त है। स्थानीय स्तर पर भी जो हमारे लीडर हैं वो भी गरीबों की बहुत सहायता कर रहे हैं, इसके लिए मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ उनकी। और प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।